प्रणव अपनी कॉलेज की छुट्टियों में रिया के साथ उसकी दीदी के घर भागलपुर आया था। रास्ते में उन्हें एक महल नजर आया जो कि बेहद आलीशान था। दादी माँ, हमने रास्ते में एक आलीशान महल देखा था, हमें उसे अंदर से देखने का मन है, क्या आप कल हमें दिन में वहाँ लेकर चलेंगी? नहीं बेटा, उस महल में जाने की सोचना भी मत, वो शापित महल है, उस महल के अंदर शहजादे की आत्मा कैद है। दादी माँ, आज के वक्त में ऐसा कुछ कहाँ होता है? मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। दादी के मना करने के बावजूद भी प्रणव वहाँ जाने का मन बना चुका था। अगली रात 11 बजे के बाद उसने रिया के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया और सबकी नजर से बचकर महल में पहुँच गया। अरे वाह, यहाँ तो सभी चीजें एकदम चमचमाती हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई अभी भी रहता हो। वो महल में काफी देर तक घूमता रहा। शहजादी, कहाँ हो मेरी शहजादी, कौन है? प्रणव ने देखा कि कॉरिडोर में कुछ ही दूर पर एक शख्स पीठ किए हुए खड़ा हंस रहा है। वो लगातार हंसे जा रहा था और प्रणव उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रणव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलटकर प्रणव की ओर देखा। उसका खौफनाक रूप देखकर प्रणव का दिल दहल उठा। शहजादे की आत्मा प्रणव के गले से होते हुए उसके जिस्म के अंदर चली गई। प्रणव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका जिस्म नीला पड़ने लगा, आंखें पीली सर्द हो गईं और वो उठ खड़ा हुआ। मेरी शहजादी, तुम्हारा शहजादा आ रहा है। तानिया नाम की लड़की उस वक्त अपनी फ्रेंड से मोबाइल पर बात कर रही थी। बातें करते करते वो अपने कोठी के बरामदे में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने एक रथ आके रुक गया जिसमें भयानक शहजादा बैठा हुआ था। आ जाओ मेरी जान, आज रात मैं तुमको अपनी शहजादी बनाऊंगा। उसने जबरदस्ती तानिया को अपने रथ में बैठा लिया। रथ अपने आप चल पड़ा और महल के सामने जाकर रुक गया। तानिया लगातार चिल्ला रही थी, वो बेहद डरी सहमी हुई थी। शहजादा उसे खींचते हुए महल के एक कमरे में ले गया। उसने तानिया को बेड पर लिटा दिया। तानिया के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, वो खौफ भरी निगाहों से उसे देखे जा रही थी। शहजादा उसके करीब चला गया और तानिया की चीखें महल के बाहर तक गूंजने लगीं। तानिया की चीखें महल के आसपास रहने वाले लोगों तक पहुंचने लगी। सुबह तानिया की लाश महल से थोड़ी ही दूर चौराहे पर पड़ी मिली और ये पूरी बात गांव में फैल गई। अरे ये क्या, प्रणव का मैसेज, वो भी रात को ही आया हुआ है। रिया, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ, सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा, अगर किसी को शक हो तो बात संभाल लेना। रिया परेशान हो गई और प्रणव के कमरे में जाकर देखा तो प्रणव अपने कमरे में नहीं था, लेकिन दादी वहाँ मौजूद थी। रिया बेटा, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अभी उसको जगाने कमरे में आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। दादी माँ, वो ऐसा ही है, उसको घूमने का बहुत शौक है ना, जब मन होगा अपने आप आ जाएगा, रिया ने बहाना बनाते हुए कह दिया। लेकिन प्रणव वापस नहीं आया। उस रात गांव के कई लोगों ने शहजादे को रथ में घूमते हुए देखा। शहजादा फिर से एक लड़की को उठाकर अपने महल में ले गया। रिया ने सोचा कि अब उसको दादी से बात कर लेनी चाहिए और उनको सच बता देना चाहिए। दादी माँ, गांव में हर कोई यही जानकर हैरान है कि शहजादे की रूह महल से बाहर कैसे आई, शायद मैं उसकी वजह जानती हूँ। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? आपके मना करने के बावजूद प्रणव महल के अंदर गया था, उसी रात से शहजादे को भी देखा जा रहा है और उसी रात से प्रणव भी गायब है। तुमने ये बात मुझसे छुपाकर ठीक नहीं किया, हमें अभी चलकर ओझा बाबा से मिलना पड़ेगा, वही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। उस महल की कहानी बहुत भयानक है,
वो महल राजा इंद्र सिंह का था, जिनका इकलौता बेटा था शहजादा रविंद्र सिंह। शहजादा बहुत ही क्रूर था, उसके मन में वासना के अलावा और कुछ नहीं था। वो गांव की सुंदर कन्याओं को उठाकर उनको एक रात के लिए अपनी शहजादी बना लेता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने शहजादे को मरने के लिए एक कमरे में बंद करवा दिया। कई दिनों के बाद जब शहजादा मर चुका था तब उस कमरे को खोला गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि शहजादे ने अपने आखिरी दिनों में भूखे पेट शैतान की इबादत करके कुछ काली ताकतें हासिल कर ली थी और उसी वजह से मरने के बाद उसकी रूह ने महल के सभी लोगों को खत्म कर डाला, मगर उसकी रूह महल में ही कैद होकर रह गई। उसको महल से आज़ाद होने के लिए एक सही सलामत शरीर की ज़रूरत थी। ज़रूर उसने पणों के शरीर का इस्तेमाल किया और महल से आज़ाद हो गया। क्या शहजादे को फिर से महल में बंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, मगर इससे तुम्हारी जान जाने का खतरा है। ओझा ने रिया को उपाय बता दिया। उसी रात वो पीपल के दरख्त के पास लाल रंग का लहंगा चोली पहनकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शहजादा अपनी रथ से वहाँ से गुजर रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम, आज तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आज की रात तुम मेरी शहजादी बनोगी। नहीं, शहजादे ने उसे रथ पर बिठा लिया और उसको लेकर महल पहुंच गया। रिया दुल्हन के रूप में उसके सामने थी। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। रिया की कमर पर उसके हाथ बेतहाशा रेंग रहे थे, लेकिन रिया बिना कुछ किए बस बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। 11 बजने में बस कुछ ही सेकेंड्स रह गए थे। शहजादा उसके गले पर हाथ फेर रहा था, वो रिया को चूमने ही वाला था, तभी रिया ने देखा कि 11 बज चुके हैं और उसको ओझा की बात याद आई। आज पूरे चांद की रात है, रात 11 से 12 बजे के बीच उसकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी, सिर्फ इसी बीच उसको खत्म किया जा सकता है। रिया ने अपने कमर से अपने लहंगे में छुपाया हुआ खंजर निकाला और तेजी से उसके पेट में खोप दिया। वो भयानक आवाज में चीखने चिल्लाने लगा और उसने प्रणव का शरीर छोड़ दिया। अब प्रणव नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसे बेहद गहरा घाव लगा हुआ था। ये तुमने क्या किया रिया? मुझे माफ कर देना प्रणव, तुम्हारे जिस्म पर शहजादे की रूह ने कब्जा कर लिया था, उसी को मारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अगर वो जिंदा रहा तो मैं फिर से उसके शरीर में घुस जाऊंगा। ये सुनकर प्रणव उसी टाइम खिड़की से बाहर कूद गया। अब महल में सिर्फ रिया और उस शहजादे की आत्मा मात्र बचे हुए थे। रिया तेजी से बाहर की ओर भागी। बाहर ओझा तैयार खड़ा था, उसके हाथ में कुछ कीलें थी और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा। रिया झट से बाहर आके ओझा के पीछे खड़ी हो गई। शहजादे की रूह ओझा को देखकर वहीं रुक गई। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, मैंने ये इबादत की हुई कीले महल में चारों तरफ ठोक दी हैं। बस ये आखिरी बाकी है। नहीं, शहजादे के बाहर निकलने से पहले ही ओझा ने आखिरी किल भी चौखट की जमीन पर ठोक दी और शहजादा महल के बाहर नहीं आ सका। शहजादे की आत्मा अंदर खिंची चली गई। रिया भागकर प्रणव के पास पहुंची और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब प्रणव की आंख खुली तो वो ऑपरेशन वार्ड से बाहर आ चुका था। रिया उसके सामने ही थी। उसको होश में देखकर रिया खुशी से उसके सामने गई। शहजादे की रूह उसी महल में कैद होकर रह गई, लेकिन आज भी रात में उस महल से आवाजें आती रहती हैं। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा।